आज एक नया दिन और हम निकल चुके हैं एज यूजुअल ऑफिस के लिए। और आज हमें दो तीन जगह के काम हैं, जो मेरे अभी पुराने टास्क अटके हुए थे, जिसकी मैं अपने पुराने ब्लॉग में बात कर रहा था, वो ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिए हैं, अपना टास्क सक्सेसफुली अचीव कर लिए हैं। तो आज एक नया दिन है, आज देखते हैं आज क्या क्या होता है ऑफिस में आज, क्योंकि देखो डे टू डे एक्टिविटी में तो मैं आपको ऑफिस की एक्टिविटीज़ वगैरह दिखा सकता हूँ। तो आज चलते हैं जो ऑफिस में और देखते हैं आज नया क्या करते हैं। आज मुझे दूसरे ऑफिस में भी जाना है अगेन वापस, वहाँ के भी कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं वो भी निपटाने, वो भी देखते हैं। और आप प्लीज़ बताओ जरा आपको जो ब्लॉग है वो कैसे लगते हैं, तो ये बताओ, बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि देखो अगर आप बताओगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा उस पर, कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी है या क्या करना है, तो आप बताओ जरा प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। और हम अगेन उसी हाईवे पे हैं जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, आज हाईवे नहीं दिखाऊंगा आपको, वो ये डेली के डेली हाईवे दिखाते हैं। तो जी, और एक फैब से मेरे पास नई टीम है, पूरी की पूरी बंदे वही हैं, बस कंपनी चेंज हुई है, टीम नहीं है, टीम कम हो गई है, और उसी टीम से हम काम कर रहे हैं। और बस ये है कि अब और एनर्जेटिक तरीके से हम काम कर रहे हैं। देखो जी, आज मैं एक नए मुद्दे पे बात करूँगा आपसे, वो है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। हमारे इंडिया में हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा, लोग फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव हैं, वो बहुत बढ़िया है, और इकॉनमी हमारी बहुत अच्छी है। बट हमारे यहाँ ना सबसे बड़े एक इशू है, देखो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने रोड्स अच्छी बना दी हैं, बट जो हमारा जो फर्ज बनता है एक रूल फॉलो करने का, रूल फॉलो कोई नहीं करता यहाँ पे, लेन सिस्टम की लेनी देनी करके रखी है लोगों ने, कभी भी कहीं से भी लेन चेंज कर लेते हैं। और जैसे ट्रकिंग होगी, जैसे ट्रक्स वगैरह होगी, गवर्नमेंट की डिफाइंड है चीज़ें कि भाई ट्रक्स जो हैं वो कौन सी लेन पे चलेंगे, लेकिन यहाँ जो है ट्रकिंग लगा लो, मान लो आप कि उनकी लेन ही नहीं है कोई, वो कभी किसी लेन में चल रहे हैं, कभी किसी लेन में चल रहे हैं, हाई स्पीड लेन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। देखो गवर्नमेंट ने तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम हर चीज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करें। और जो एक लेन सिस्टम है कि भाई ये इतनी स्पीड लिमिट है, इतनी इस लेन में इतनी स्पीड से चलना है, वो प्लीज़ करो सब, जिसे बाहर से भी कोई आए, फॉरेन से भी कोई आए, कहे यार गजब है इंडिया, तो ये करके दिखाना है सभी ने। तो जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमेशा अपने रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, लेन सिस्टम, जब भी हाईवे पे चढ़ते हैं कम से कम लेन सिस्टम का बहुत ध्यान रखें, बार बार लेन चेंज ना करें, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का कारण है। क्योंकि आप खुद देखो, आप 60 की आपने स्पीड पकड़ी हुई है और आप एक लेन में चल रहे हैं, अचानक आप क्या करते हैं दूसरी लेन में चले जाते हैं, ठीक है जी, और सेम उसी स्पीड से, और पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो मान लो कि बाई चांस 80 की रफ्तार से गाड़ी आ रही है, 80 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, और आपने एकदम लेन चेंज की, उसको एकदम ब्रेक करना पड़ गया, उसका अगर नहीं ध्यान है ढंग से तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा लेन सिस्टम का ध्यान रखें, जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन लेफ्ट साइड में चलने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड की स्पीड लिमिट जो है वो कम होती है, और टॉप स्पीड होती है राइट साइड में हमारे यहाँ, तो फॉलो करें। बाकी ये मैं तो ढंग से आपको क्या बताऊँ, आप एक बार गाइडलाइन देखो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, कौन सी स्पीड में, कौन सी लेन में कौन सी स्पीड होती है। तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सब ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। देखो जी, अभी एक ट्रैफिक में एक घटना हुई है, मैं बताता हूँ आपको, ये इतनी बुरी घटना है ना, मतलब मैं इसकी इतनी निंदा करता हूँ चीज़ों की। अब एक चीज़ देखिए, एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है, पीछे से एक बंदा आया, ऑल्टो में था, CH नंबर की गाड़ी है ये, अभी वेरका चौक के पास की, वेरका के सामने की बात है। उसने क्या किया, वो उस बंदे ने जो आगे जा रहा था उसने आगे गाड़ी रोकी, इस बंदे ने जो पीछे ऑल्टो में था, इतना पेशेंस नहीं है मतलब लोगों ने, इसने उसके इतने मुक्के बजाए बेचारे के। अब मेरे को घटना नहीं पता एक्चुअल में है क्या, लेकिन देखो ये रोड रेज की घटना है जो ना इंडिया में, मतलब हम सुधर नहीं सकते हैं जो मर्जी कह लो आप। उसने उसको इतना, मतलब चलो ठीक है, हो जाता है यार, चीज़ें हो जाती है, कभी गलतियाँ होगी, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूसरे के ऊपर हाथ उठा दो, ठीक है जी,
इतने इतने उसने मारे उसको, कम से कम 4-5 मिनट तक लगा लो, अब मारता ही रहा। मतलब कि उतर के कोई भी, इतना ट्रैफिक हो रखा था, मैं तो काफ़ी पीछे था, इतना ट्रैफिक हुआ था, कोई भी उतर के ऐसा नहीं हुआ कि उसको समझाए या उसको उसको भी 2-4 लगाए। मैं तो यही कहूँगा 2-4 लगाए। मतलब इतना 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 बड़ा प्रॉब्लम है देख लो आप, मतलब कि उसकी, उसने पिटाई कर दी, उसकी वाइफ उसके साथ में बैठी है, ठीक है, और वो खुद अपनी माँ के साथ है, मदर ही थी शायद उसकी, CH नंबर की ऑल्टो थी, वो खुद अपनी माँ के साथ था। मतलब इतना पेशेंस नहीं है बंदों में कि भैया देखो हो जाती है, गाड़ी है चलो ठीक है लगी यार, जो भी है लगी है नहीं लगी है तो मेरे को नहीं पता क्या हुआ, बट उसने उसको इतनी पिटाई की उसने उसकी भाई साहब, मुक्के। फिर फाइनली बाद में उसकी माँ उतर के आई, उसने उसको छुड़ाया। तो मतलब अब आप ये घटना देख लो, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और हालत देख लो कि मतलब इतना पेशेंस नहीं है भाई, चलो हो जाता है यार, रोड पे चल रहे हैं, गलती हो ही जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम दूसरे को मारोगे यार। तो ये घटना देखो आप जरा, हमारी ये खासकर इंडिया में बहुत चलती है, यहाँ पे इतना पेशेंस नहीं है। देखो रोड है, रोड पे सब चल रहे हैं, ठीक है, सबका अधिकार है रोड पे चलने का, और लग गई उसके लिए इंश्योरेंस है, सब चीज़ गवर्नमेंट ने हर चीज़ की हुई है इंश्योरेंस की, तो यार तुम कुछ हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम ले लो, तुम दूसरे को जान से मारोगे क्या? मतलब उसको इतना मारा उसने बेचारे, मतलब वो अब देखो मैं क्या कह नहीं सकता, मतलब मेरे पास तो उसके लिए ना वो नहीं है। तो ये घटनाएँ देख लो, अब आप ये भी एक रोड से रिलेटेड ही घटना है, तो इसको आप किस तरीके से कंसीडर करोगे आप देखो। और ये सभी के लिए है, देखो पेशेंस हमेशा रोड पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आप रोड पे चल रहे हो पेशेंस इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ भी हो सकता है। आजकल की कहानी क्या है कि इंसान को इंसान की कदर ही नहीं है, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हैं आज के टाइम में, चाहे वो रोड रेज के हिसाब से ले लो या जैसे मर्जी ले लो, एक दूसरे को मारने के उतावले हो रखे हैं कि बस मार दे कर दे ये कर दे, यार उससे होगा क्या अच्छा ही होगा बताओ, खुद ही बताओ, तुम दूसरे को मार रहे हो उसके घर वाले के सामने, बीवी के सामने, जो भी है उस बेचारे की क्या इज्जत और तुम्हारी क्या इज्जत है साला। हम तो तुम्हें बिल्कुल, मतलब इस टाइप के बंदों को मैं तो सालों को क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं तो उनको कुछ समझता ही नहीं हूँ इन चीज़ों में, वो साले रोड पे चलने तक लायक नहीं है भाई, सही में बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को भी एक है कि भाई अगर ऐसा कोई बंदा मिसबिहेव करता पाया जाए तो उसका जो है 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए उसका लाइसेंस जब्त किया जाए, कम से कम 6 महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे से गवर्नमेंट को रूल सख्त करने पड़ेंगे जिससे इस टाइप की घटनाएं रोड पे ना हो कम से कम ना। तो हमें खुद सुधरना है यार, हम खुद जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो हम दूसरे को क्या सुधारेंगे। तो कहानी यही है, तो भाई सभी रूल्स फॉलो करो, सभी देखो अगर सभी रूल्स फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं सिंगापुर भी गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, और भी जगह गया हूँ, मैंने वहाँ के लोगों में ना इतना ट्रैफिक रूल्स के लिए, खासकर सिंगापुर में इतना रूल्स फॉलो करते हैं ना लोग भाई, मतलब मैंने कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं देखी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो कुछ हुआ हो, मतलब देखी नहीं मैंने वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई ठुका इधर ठुका उधर ठुका, कोई मैंने इस टाइप की गाड़ी नहीं देखी वहाँ जिसका एक्सीडेंट हुआ। कारण यही है, रूल्स फॉलो करते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल मत, और पुलिस नहीं देखी मैंने, देखो पुलिस को मैंने वहाँ देखा नहीं कि किसी को रूल्स फॉलो कराते हुए, पुलिस को नहीं मैंने देखा। हमारे यहाँ की पुलिस बेचारी इसी काम में लगी है कि यहाँ पे लोगों को रूल्स फॉलो कराए जाए, तो क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, इसीलिए पुलिस हमें समझाती है जिम्मेदारी हमारी। तो ये भी एक गलत चीज़ है कि देखो पुलिस को क्या काम करना चाहिए और हमें रूल्स फॉलो करना सिखा रही है, और रूल्स फॉलो करना हमारे लिए ही बेटर है, क्योंकि देखो हमारी गाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा, किसी की जान माल का नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, और सिंगापुर में भी देखा मैंने ये चीज़ें, मतलब एक अभी कोई टैक्सी बाई चांस किसने ब्रेक लगाई है तो कोई भी उसको ओवरटेक नहीं करता, मतलब उसके पीछे लाइन लगा लेंगे, कोई हॉर्न नहीं होता। हमारे यहाँ तो हॉर्न के पीछे भैया ऐसे पड़े होते लोग, जैसे ऊपर वाले ने कुछ दिया हुआ है कि हॉर्न बजाने के लिए ना, कि हाँ यार ये तो तुम्हें बजाना ही बजाना है, मतलब अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं हमारे यहाँ अननेसेसरी। और सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक,
कहीं भी बंदे अननेसेसरी कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। अननेसेसरी छोड़ा बंदे तो नेसेसरी में भी नहीं देखा। और बैंकॉक में मैंने एक चीज़ देखी है, इनके ऐसे अगर कोई टैक्सी किसी कस्टमर को उतार रही है और वो उस बाकियों को लेफ्ट साइड मुड़ना, तो सभी उस टैक्सी के पीछे खड़ जाएंगे और एक डिस्टेंस बना के कोई भी ओवरटेक नहीं करता, कोई भी ओवरटेक नहीं करता है कि टैक्सी को ओवरटेक करके हम लेफ्ट साइड ले लें, कोई भी नहीं देखा मैंने इस तरीके से ना। तो देखो हमें बाहर से ये भी चीज़ें बहुत सीखने की ज़रूरत है आज के टाइम में, हमारे यहाँ ट्रैफिक इतना है, हमें इतने बल्कि हमें तो उनसे ज़्यादा रूल्स फॉलो करने चाहिए क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो, रूल्स फॉलो करो, लाइंस का फॉलो करो, ठीक है जी। तो हम देखो हम छोटी छोटी चीज़ें डेली यूज़ में लेंगे ना, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ी चीज़ है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे विनती है, और ये रोड रेज वाली अगर देखो आपसे गलती होगी या किसी और से गलती होगी है तो माफ़ कर दो, माफ़ करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन माफ़ करने से आप ही बड़े होगे, दूसरा क्या बड़ा होगा। जो माफ़ करता है वो सबसे बड़ा होता है, ना कि ये मार पिटाई करना, ये चीज़ें देखो ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, ये चीज़ें इतनी बेकार होती हैं। देखो आज तुमने किसी को मार दिया, आने वाले टाइम में तुम भी कभी किसी के हत्थे चढ़ोगे, वो भी तुम्हारी पिटाई करेगा, तो क्या फ़ायदा यार। तो माफ़ करना सबसे अच्छी चीज़ है, हमारे शास्त्रों में भी सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्म। तो प्लीज़ इस चीज़ को सब फॉलो करो, बाकी मिलते हैं आपसे ऑफिस में। और जी सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया, एक्चुअल में मैं एक और चीज़ आपको बोलनी थी। देखो जब ट्रैफिक की बात हो रही है तो हम एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस सर्विस है हमेशा एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ के रखो, ना कि आपने पूरी की पूरी जैसे एक साइड की रोड है पूरी की पूरी उसको एक्वायर कर लिया। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम एक लाइन छोड़ दो जिससे इमरजेंसी व्हीकल निकल जाए, तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, मैं भी खुद इसको फॉलो करता हूँ, हमेशा करता हूँ। और इमरजेंसी व्हीकल को हमेशा रास्ता दो, हमेशा रास्ता दो, चाहे आपको अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा के गाड़ी साइड क्यों ना करनी पड़े। तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब ये वाले रूल्स फॉलो करें, क्योंकि इमरजेंसी व्हीकल कितनी इमरजेंसी है, कौन उसमें बीमार है, उसकी जो बीमार है जो उसमें व्हीकल में जा रहा है उसकी तो लाइफ बेचारे की, देखो आपके एक एक सेकेंड अगर आपने उसके लिए कुछ समय बचा दिया क्या पता उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्या इमरजेंसी है। तो प्लीज़ जितने भी चंडीगढ़ में रहते हैं और पंजाब में रहते हैं तो सबसे हाथ जोड़ के, पूरी इंडिया में रहते हैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता दो, तो ये रूल फॉलो बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है जी। चलो मिलते हैं ऑफिस में। देखो जी ये बंदा देखो, ये साइकिल वाला वो है जो बिल्कुल रोड पे चल रहा है, आपने देखा होगा बिल्कुल रोड पे चल रहा था, देखो आप खुद ही देखो। अब आप खुद बताओ ये एक्सीडेंट का कारण है नहीं है, देखो साइकिल का रास्ता वो है उधर, देखो एक वो बंदा जा भी रहा आपको दिख रहा होगा साइकिल वाला, ये साइकिल का वे है इधर, पर ये बंदा बिल्कुल मेन रोड के बीच में चल रहा है यार, आप खुद ही बताओ भाई। हम चंडीगढ़ रह रहे हैं और इस तरीके के ट्रैफिक रूल हम फॉलो कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हो ये एक्सीडेंट का कारण है, क्योंकि देखो ये रोड जो बनी है ये बनी है सिर्फ गाड़ियों के लिए, इस गाड़ी की रोड में अगर साइकिल वाला भी चलेगा तो आप बताओ रूल्स कहाँ से फॉलो होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो मैं आपको एक्चुअल में मॉर्निंग में भी दिखाने वाला था साइकिल वाला बंदा ना, तो जी ये कारण है साइकिल वाला, मतलब ये आप ये लगा लो हमारे यहाँ पे हर क्लास का बंदा रूल तोड़ता है, साइकिल वाला लगा लो, ऑटो वाला लगा लो, गाड़ी वाला लगा लो, बाइक वाला लगा लो, हर कोई रूल तोड़ता है, कारण आपने देख ही लिया, मैंने आपको दिखाया साइकिल वाला देखो बीच में चल रहा रोड के बीच में, सभी पागल नहीं है कुछ कुछ हैं। तो जब सबको हर कोई सुधरेगा, हर कोई रूल फॉलो करेगा, और मैं तो कहता हूँ कि इनके ऊपर भी चलान लगाना चाहिए, 100 रुपये 50 रुपये जो भी है, गवर्नमेंट को कम से कम एक रूल तो बनाए कि यार गलती तो कोई भी करेगा तो सबको एक ही सांचे में रखो ना, ये थोड़ी कि गाड़ी वाले को तुम अलग चालान करोगे, बाइक वाले का अलग, सबको एक ही सांचे में रखो, कुछ तो रखो ना कि बाइक इसका, इनकेस अगर साइकिल वाला रूल तोड़ रहा है तो साइकिल वाले को भी फाइन लगना चाहिए, मैंडेटरी है। तो ये चीज़ें हैं, देखो ये करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, रूल्स फॉलो होने बहुत ज़रूरी हैं। आज का व्लॉग जो था ना सिर्फ ये रूल्स के लिए था,
तो जी सबके लिए मैंडेटरी है, रूल्स फॉलो करो जब भी, इवन कि आप शहर में हो तो तब भी रूल फॉलो करो, इवन आप हाईवे पे चल रहे हो तब भी बहुत ज़रूरी है, हाईवे पे तो और ज़रूरी है रूल फॉलो करने। आप अपने यहाँ बड़े बड़े जो हाईवे हैं उन पे लेन सिस्टम चला हुआ है तो लेन सिस्टम फॉलो करो, मैंडेटरी है। अगर आपको कलिजन से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, तो प्लीज़ रूल फॉलो करने ज़रूरी हैं। ये बार बार आज मैं रूल फॉलो करने के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हर एक बंदे की लाइफ बहुत कीमती है और लाइफ एक ही बार मिलती है, अगली बार पता नहीं आप क्या बनोगे, हम क्या बनेंगे, तो ये है कहानी। तो प्लीज़ रूल फॉलो करो। और जी जो लोग बाहर के व्यूवर्स हैं जो चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमारे चंडीगढ़ में एक और चीज़ बहुत बढ़िया है, साइकिल। साइकिल हमारे यहाँ साइकिल स्टैंड बने हैं प्रॉपर, वहाँ से आप साइकिल रेंट कर सकते हो। ई साइकिल मिलती हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक साइकिल मिलती है, इलेक्ट्रिक प्लस मैनुअल, और इतनी सस्ती है, 10 रुपये या 20 रुपये चार्ज में आप 1 घंटा उसको लेके घूम सकते हो। तो मतलब अगर आप शहर में हो और आपको ठीक है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते, तो आप साइकिल यूज़ करो। और साइकिल का स्टैंड हर सेक्टर में हर जगह बना है, हर जगह। अब आप देखो कितनी कितनी फैसिलिटी दी हुई है, तो यूज़ करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी बंदे को दिन मतलब हफ्ते में एक बार ऑफिस साइकिल से जाएं, वो इसलिए क्योंकि एक तो तेल भी बचेगा और दूसरी कहानी मैंने आपको बताई दी है, थोड़ा साइकिल भी प्रमोट होगी और सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं और चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने किया है, देखो इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी है हमें साइकिलिंग की, तो प्लीज़ आप यूज़ करो, सब साइकिल यूज़ करो, बहुत मैंडेटरी है साइकिल यूज़ करना। मतलब मैंडेटरी तो नहीं है, सॉरी ये तो मैं गलत बोल गया, मतलब आप कर सकते हो, साइकिल यूज़ कर सकते हो। और देखो साइकिल से कितने बेनिफिट मिलते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। मैं भी मॉर्निंग में साइकिलिंग करता हूँ, आजकल थोड़ा सा नहीं जा पा रहा क्योंकि थोड़ा सा ठंड ज़्यादा थी, बट अब मैंने दोबारा अपना ये मॉर्निंग रूटीन जो है साइकिल वाला दोबारा इसको ज्वाइन करना है। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम पहुँच गए हैं सेक्टर 38 की मार्केट के पास, तो सेक्टर 38 से हम सीधे निकल रहे हैं घर की तरफ। और मैंने आपसे आज ये बातें की हैं भैया, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आपसे मेरी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जो मेरे को देखते हैं डेली ब्लॉग में, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो ये इसलिए मैं आपसे डिस्कस की ये चीज़ें, क्योंकि देखो सब जितने भी हैं सब गाड़ी भी यूज़ करते हैं, साइकिल भी यूज़ करते हैं, बाइक भी यूज़ करते हैं, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने आप पे ध्यान देंगे तो हमारा देश भी सुधरेगा और हम भी सुधरेंगे। और बाहर वाले लोग बंदे कहेंगे यार क्या इंडियंस हैं, यार इंडियंस की तारीफ होगी, यार अपने देश के लिए करो फिर ये चीज़ें ना। और ये देखो ये चंडीगढ़ की सड़कें हैं, ये अंदर की सड़क है जो शहर के अंदर, मतलब जहाँ अंदर घर वर बने हैं अंदर की सड़कें हैं, देख लो आप नीट एंड क्लीन है, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। गाड़ियाँ देखो आपको दी, देखो रोड पे नहीं है, पुल पर चढ़ाई हुई है सबने ना, देखो सब अपनी अपनी पार्किंग में लगे, क्योंकि आजकल चंडीगढ़ में क्या है एक रूल नया बन गया है कि चलान वाला, तो अगर आपने रोड पे गाड़ी खड़ी की तो आपका चलान कटेगा ही कटेगा पक्का। तो इसीलिए ये सब गाड़ियाँ जो हैं ये पार्किंग में है, आउट ऑफ द रोड ही है, मतलब रोड पर किसी की गाड़ी नहीं दिख रही है, देखो आप देख लो पूरी। तो ये चीज़ें हैं, देखो आप देखो वही है ना, देखो अभी गवर्नमेंट सख्त है तो बंदे भी सख्त हैं, कहते हैं कि हाँ यार चलो हमने तो रूल फॉलो कर।
तो जी ये था आज का ब्लॉग, जो मैंने आपकी एक डेली रूटीन एक्टिविटी, सभी की डेली रूटीन एक्टिविटी के ऊपर एक ब्लॉग शूट किया ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और जो ब्लॉग में मैंने चीज़ें बताई हैं उन पर ध्यान देना। तो चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई किसी नई सोच के साथ। टिल देन, जब तक के लिए गुड बाय। You and I are working here.